हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैया सूजन क्यों आती है। हाथ पैर में लग जाए, गिर जाए, वाप कट जाए, चोट लग जाए, सुई घुस जाए, कांटा लग जाए, सूज जाता है, सूजन आ जाता है, हाथ पैर लाल पीले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, सूजन आना क्यों ज़रूरी है, सूजन क्यों आती है, सूजन से कैसे बचा जाए, क्या करना है घर पे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन कई लोगों ने इसका बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग करेंगे, लेकिन बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि भाई वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियोज़ समय समय पर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ठीक है। तो बात कर रहे थे सूजन की। तो सूजन एक शरीर का ही डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लो आपके शरीर में कहीं पे कोई चोट लग जाती है और आपको दिखेगा नहीं वो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे आपको चोट लगी हुई है। सूजन होती है तो आपको दिखता है, रेडनेस है, फूला फूला शरीर दिख रहा है, तो आपको पता रहता है कि भाई ये अंग जो है इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, आपको चोट लगी हुई है। और दर्द तो अलग चीज़ हो जाती है, खैर कई बार सूजन अकेली आती है, दर्द नहीं होता है। सो सूजन से पता चल जाता है कि भाई ये ऑर्गन, ये टिश्यू डैमेज है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, शरीर में कभी भी कोई इंजरी होती है, कट लगता है, या बोल सर्जरी के बाद भी आपको सूजन आ जाती है कहीं कहीं जगह पर। तो वो क्यों आती है, क्योंकि हमारा शरीर का मैकेनिज्म में कुछ सिस्टम ऐसा है कि क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई इंजरी है, सपोज़ ये उंगली में चोट लगी, तो हमारा शरीर पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस जगह पे पहुँच सके और वो जगह हील हो सके, वो टिश्यू, वो अंग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो कब होगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा तो वो अंग ठीक होने लगता है। ये हमारे शरीर का एक बेसिक फार्मूला है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है उस जगह पर जहाँ पर कोई चोट होती है। तो जाहिर सी बात है, जिस जगह पर भी आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, कट लगता है या दब जाता है, आप गिर जाते हैं, तो उस जगह के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और उन टिश्यूज़ को रिकवर करने के लिए, उनको हील करने के लिए ब्लड वेसल्स वहाँ की फैल जाती हैं, वैसो डायलेशन हो जाता है, बहुत बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो फैल जाती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो रेडनेस दिखती है। और जब ब्लड इकट्ठा होता है तो उसमें से कुछ लिक्विड निकल के हमारे उन टिश्यूज़ को जाकर हील करते हैं, WBC वगैरह ये सब पहुँचते हैं, ताकि आपका शरीर हील होने लगे, ठीक हो जाए। तो वो दिखता क्या है, रेडनेस, और आपको पता चल जाता है यहाँ पे चोट लगी हुई है। और चोट जब लगी होती तो आप जाहिर सी बात है उस अंग से काम नहीं करेंगे, और जब आपको ये पता रहेगा कि भाई ये अंग मेरा गड़बड़ है तो इस अंग से मुझे काम नहीं करना, तो उस अंग को रेस्ट भी मिलता है और वो ठीक जल्दी होता है। तो इसलिए सूजन आती है, ठीक है। अब बात करें कि भाई सूजन आने पर क्या करें, सिंपल सी बात है, आपको ठंडे पानी, बर्फ़ के पैकेट्स की सिकाई करना है, गर्म पानी से कभी भी सिकाई नहीं करना है। लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि गर्म पानी, देखो हड्डियों की अगर चोट है, जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको मालिश करना है, गर्म पानी यूज़ कर सकते हो, गर्म तेल यूज़ कर सकते हो, गर्म पट्टे की सिकाई कर सकते हो। लेकिन जब जब सूजन आएगी आपके मांस में, आप ज़्यादा काम करके आएंगे या आपको मसल इंजरी होगी कहीं पे, तो आपको गर्म पानी नहीं लगाना है, क्योंकि अंदर की ब्लड वेसल्स तो ऑलरेडी डायलेटेड हैं, फैल चुकी हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो वो सूजन और बढ़ेगी गर्म पानी लगने पर। तो कभी भी सूजन होने पर गर्म पानी नहीं लगाना है, आपको ठंडे पानी से सिकाई करना, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी और आपकी सूजन कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।